Special day, there's a special guest. You know, he just came over all the way from Calgary. Oh, so, just so to meet him. Yeah, it's done. Thank you. You're welcome. Thank you Enjoy. Very much. Yeah, thank you. जहाँ तक आपकी नजर जा रही है कितना प्यारा फील हो रहा है, खुदा की कुदरत आप देखें। सुना है कि कनाडा में जॉब्स नहीं हैं, बुरे हालात हैं, लोग कनाडा छोड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जॉब्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं कि जिनको मैं जानता हूँ, वो सारे जॉब्स कर रहे हैं। कोई सारे जॉब कर रहे हैं। मैसेज फॉर माय गौरव भाई। Nice girl, boy. You are a star. No problem. And doing nice. And he's yeah. Words you learn like Bismillah and Inshallah. That's very good. आज ईद के बाद फरहान मुझे मिलने के लिए आए हैं। आइए फरहान के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज तो मौसम जबरदस्त है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ड्राइव कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मजे की ड्राइव होती है, आपको पता है, कैलगरी की, कैलगरी से यहाँ तक। कैलगरी से यहाँ आए और कितना डिफरेंस आपने पाया? कैलगरी कैसा लगा आपको और यहाँ रूरल एरियाज टाउन कैसे लगे आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा शोर से एक सुकून में आ गई हूँ, क्योंकि अभी मैं इतनी देर हो गई यहाँ पे बैठे हुए, बहुत सुकून है बिल्कुल। ये देखें, आवाजें आ रही है आपको परिंदों की, एंजॉय कर रहे हैं नेचर को, एंजॉय कर रहे हैं। धूप निकली है, बड़े मजे का मौसम है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। फरहान को सबसे पहले आइए ले चलते हैं, थोड़ी सी फरहान की दावत करते हैं, उसके बाद हम मजीद गपशप करते हैं। ये देखिए हमारा स्टूडियो, और स्टूडियो, ये स्टूडियो फरहान आपने देखा है, ये ओपन एयर स्टूडियो है, ये आप चेक कीजिए। मैंने देखा, बड़ा प्यारा है। सो आइए चलते हैं। सो हम आ चुके हैं फरहान के साथ इस वक्त। हाय, हाउ इज इट गोइंग? गुड, हाउ आर यू? फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। एंड वी नीडेड टू चीज़बर्गर, यप, विद फ्राइज एज़ वेल। ओके, साउंड्स गुड। एंड बिकॉज़ यू नो देयर आर स्पेशल डे, देयर इज अ स्पेशल गेस्ट, यू नो, ही जस्ट केम ओवर ऑल द वे फ्रॉम कैलगरी। ओह, सो जस्ट टू मीट हिम। या ऑन आवर स्पेशल डे इज, यू नो, you know that is a special day like Christmas. Oh, okay. So yeah, so hello, how are you? Good. आज जी हम यहाँ पर आए हैं और इस वक्त हमने ऑर्डर दे दिया है और इसके बाद हमने पेमेंट करनी है। फरहान कैसी लगी आपको ये जगह? बहुत अच्छी लगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इतना सुकून है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको तो इतना फील नहीं होता जितना मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। Oh, yeah. So it's a nice place as well, cool and calm, and you can come over here as well. So yahan par payment karne ke baad hum nikalte hain yahan se. It's done. Thank you. You're welcome. Thank you very Enjoy. much. Yeah, thanks indeed. Yeah, order hamara ready ho chuka hai, aur aaiye Farhan nosh farmate hain, haath saaf karte hain is pe. Idhar hi hai, chale hue. To Farhan bataiye, food kaisa laga aapko? Aapke samne kholte hain, aap bhi dekhen. Oh, mashallah, kaisa lag raha hai aapko? देखने में तो वो टेस्टी लग रहे हैं, अब खा के देखते हैं। स्मेल्स गुड एज़ वेल। सो यहाँ पर आप देखिए ओपन एयर स्टूडियो है और फरहान चूंकि स्पेशली आए हैं कैलगरी से, और ये हमने अपनी जो छतरी जिसे कहते हैं अम्ब्रेला, उसको भी खोल दिया है क्योंकि थोड़ी धूप निकल आई है, और धूप जहाँ निकलती है तो थोड़ा गर्मी भी महसूस होती है। तो गर्मी आप महसूस कर रहे हैं? जैकेट लाने की जरूरत नहीं थी बाय द वे आपको? नहीं, कनाडा का जो है ना वेदर वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसका कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैं लेके आया हूँ हिफाजती। जी, हिफाजती तौर पर आपने साथ में रखी है जैकेट, लेकिन मौसम बहुत शानदार हो चुका है, और आपने देखा लोग तो शॉर्ट्स में घूम रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, मैंने देखा, ये तो इन लोगों को तो ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन हम लोग चूंकि इतना यूज्ड नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, चले हम हाथ साफ करते हैं इस पे, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं, आपसे मिलते हैं। आप यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आप देख सकते हैं कि ये कितनी सुकून वाली जगह है, कोई आपको बंदा ना बंदे की नजात नजर आ रही है, वॉक कर रहे हैं फ्रीली, ये विटामिन ले रहे हैं। लेकिन वजह ये है कि आज वीकेंड है, तो वीकेंड पे लोग चूंकि जाहिर है ये लोग जो है लेट नाइट एंजॉय करते हैं, और उसके बाद दिन को देर को जरा उठते हैं, तो अभी चूंकि सुबह सुबह का आगाज है, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप फील्ड्स को भी काफी पसंद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये देखे ना, दूर दूर जहाँ तक आपको नजर जा रही है, कितना प्यारा फील हो रहा है, खुदा की कुदरत आप देखें, सुकून ही सुकून है, और इन लोगों ने कितना हर चीज को साफ रखा हुआ, कितना मेंटेन किया हुआ इन्होंने, बिल्कुल हर चीज़ें, कोई चीज मैस नहीं करी नजर आ रही, कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो ये देखें, साथ में रेलवे ट्रैक भी है, और इसके बाद ये आप देखिए, साथ में आप वॉक के लिए ये ट्रैक पे भी जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो बेसिकली जाहिर है सिटी में, बिग सिटीज में जब आप रहते हैं, एक तो चूंकि आजकल वहाँ पर रश ज़्यादा है, उस हिसाब से तो बंदा ज़ाहिर अपनी लाइफ में बहुत मसरूफ होता है, तो उसके बजाय अगर आप ज़ाहिर इन एरियाज़ को प्रेफर करें तो आपको बहुत कुछ मिलता है। हाँ डेफिनेटली, आप देखें ना कि वहाँ पे आप सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो वहाँ पे टाइम ट्रैफिक कितना होता है कि आपको अगर 10 किलोमीटर दूर आपकी जॉब है तो उसमें ही आपको आधा घंटा घंटा लग जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका अगर आपका कोई अच्छा सेटअप हो, सब कुछ यहाँ पे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ को
अच्छा रखने के लिए वॉक, ये देखें ना वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं सब कुछ आपको बिल्कुल वन ड्राइव पे मिल जाता है यहाँ पे इजीली। तो फरहान के बारे में मैं आपको बताऊं कि फरहान चूंकि बिजनेस ऑन करते हैं कैलगरी में, और फरहान आपकी एज क्या है? मेरी है 29। 29 उनकी एज है और ये बिजनेस ऑन करते हैं, और ये भी सुना है कि कनाडा में जॉब्स नहीं हैं, बुरे हालात हैं, लोग कनाडा छोड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अली भाई छोड़ रहे यानी वो तो लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन जॉब्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, जब मैं आया था तो मुझे जॉब मिल गई थी वहाँ पे, मैंने जॉब की, मुझे इवन दो जॉब्स मिल गई थी, उसके बाद एक और जॉब मिल गई थी। अप्लाई करना पड़ता है आपको, थोड़ा वेट करना पड़ता है आपको, एक जगह अप्लाई करके नहीं वेट करना पड़ता, आप जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हैं हर जगह अपनी सीवी रेज्यूमे ड्रॉप करें, कहीं ना कहीं से आपको कॉल आ जाती है। जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल मेरे जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं या जिनको मैं जानता हूँ, वो सारे जॉब्स कर रहे हैं, कोई सारे जॉब कर रहे हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, सही है, पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो पार्ट टाइम कर रहे हैं डेफिनेटली, जो वर्क परमिट है या पीआर पे वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह ये जो मीडिया पे दिखाया जाता है ना कि बहुत ज़्यादा भूखे हैं लोग, मतलब फूड बैंक्स पूरे भरे हुए हैं, टेंट में रह रहे हैं लोग, टेंट में रह रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है ना, ये क्राइसिस हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन इतना नहीं है। मैंने यहाँ पे तो सारे घरों में रह रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल अपने अपने घर हैं उनके, चाहे वो रेंट पे हैं या अपने हैं, रह रहे हैं बिल्कुल, इतना भी कोई क्या है। लेकिन जरूरी ये है कि ज़रा अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है कि आपका कोई ताल्लुक हो, रेफरेंस हो, जानने वाला हो, तो आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता फौरी तौर पर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कॉन्टैक्ट हो, तो आप कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाएंगे। हाँ ये बिल्कुल है कि रेफरेंस को जो है वो थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं, वो जो आपने रेफरेंस दिया, अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे पहले काम करे तो डेफिनेटली आपको रेफरेंस देगा, लेकिन आप एक रेफरेंस पे नहीं रह सकते, आप डिफरेंट जगह पे अप्लाई करें आपको कोई ना कोई कॉल ज़रूर आएगी। हाँ ये है कि डायरेक्ट आपको सुपरवाइजर मैनेजर की कोई कॉल नहीं आएगी, जाहिर है आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आप बैठ जाएं बिल्कुल हाथ पे हाथ रखें कि जॉब मिलती नहीं है, कनाडा में वापस चले जाएं, तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो फरहान मुझे बताएं कि कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा यहाँ का? अली भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिलीशियस फूड, वेलकम, बहुत बहुत अच्छा मजे का था, स्पेशली जो फ्राइज और बर्गर, और उसके बाद टाउन के बारे में मैं आपको, लोग अच्छे लगे आपको? लोग बहुत स्वीट है, बहुत, एंड यू नो आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं इस पे गोरा भाई बैठा हुआ था, स्पेशली मैसेज फॉर माय गोरा भाई, I came all the way from Calgary to meet you on your place. I think you are busy, but I will come again. Hey, Gorabhai, nice celebrity. You are the celebrity. Yeah, and Gorabhai is actually, he got some commitment and he's busy with his family. Good night, it's a weekend and that's why we couldn't make it. So, yeah, definitely, Gorabhai is, you know, he's a star. He's a you star. You are nice, Gorabhai. You are a star. No problem. And doing nice. And he's, yeah, he's doing, like he's a celebrity guest. I have just one suggestion for you. Just please learn language Urdu. Or learn our language Urdu, okay? Little bit. Hey, he learned most of the words that he just learned. The words you learn like Bismillah and Inshallah, that's very good. Your beginning is very good. Right. Enjoy your weekend, Gorabhai. All right, Farhan, thank you very much. Aap aaye Calgary se aur aapko jagah achi lagi, log aapko achi lage. और यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको अच्छा लगा, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अली भाई बहुत शुक्रिया आपकी हॉस्पिटैलिटी का, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन यू नो, तो बहुत अच्छा था फर्स्ट इंप्रेशन, तो उम्मीद है कि आगे भी आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, इस तरह अच्छी अच्छी गपशप होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच, ओके थैंक यू।